ओके केसी जैन जी, आपने कहा कि इन्होंने दागियों को टिकट दी, रोज लिस्ट निकाल के बताते हैं ये दागी ये दागी ये दागी, ये वाला मुसलमान दागी, ये वाला मुसलमान दागी, ये वाला मुसलमान भी दागी, सारे मुसलमान दागी। लेकिन एक बात बताइए, आपने कभी अपनी पैरिस चेक की कि कौन कौन अपराधी है, किस किस पर मुकदमे दर्ज है? केसी जैन, अभी चर्चा थी कि राजनीतिक मुकदमों की और गैर राजनीतिक मुकदमों की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर 502 मुकदमे थे और सरकार आते आते उन्होंने सारे के सारे मुकदमे वापस ले लिए, क्यों? करके बता देता हूँ, ये करके बता देता हूँ, जेल में है, गलत बोल रहा हूँ, आप उसको क्रॉस चेक करके सही कर दीजिए, आप क्रॉस चेक करके पोस्टर लगा के वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें से 25 दागी है, ये सही है या गलत? देखिये चावला जी, देखिए चावला जी, दागी होना, दागी ये कहना, सिर्फ मुकदमों के आधार पे दागी कहना और सजा याफ्ता मुलजिम होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। केशव प्रसाद मौर्य पर 4 मुकदमे दर्ज, सुरेश राणा पर 3 मुकदमे दर्ज, 3 आपराधिक मामले, बाबूलाल पर 7 आपराधिक मामले दर्ज है, उमेश मलिक पर 6 आपराधिक मामले दर्ज है, कपिल देव अग्रवाल पर 6 आपराधिक मामले दर्ज है। आपने पहली लिस्ट में 25 दागियों को अपना उम्मीदवार बनाया, ये वाली लिस्ट पढ़ी क्या आपने? देखिए चावला जी, फिर वही बात कि राजनीतिक मुकदमे होना और सीधे सीधे अपराधियों को राजनीति में लाना, अपराधिक आदरणीय आदरणीय आरबी उपाध्याय, अपराधी है जैसे लोग, अपराधी है अतीक अहमद जैसे लोग, अपराधी है गायत्री प्रजापति बलात्कारी जैसे लोग, अपराधी है आजम खान जैसे जो लोग, जो 2 साल हो गया अभी तक उनकी जमानत नहीं करा पाए समाजवादी पार्टी, विकास दुबे का नाम क्यों लेते हैं? न्यायिक प्रक्रिया, आप फिर विकास दुबे का नाम, न्यायिक विकास दुबे का भी नाम लीजिए ना, कुलदीप सेंगर का नाम लीजिए। नहीं, वो तो इनकाउंटर की लिस्ट में, वो नेता नहीं है। चिन्मयानंद का नाम है किसमें? चिन्मयानंद का नाम है किसमें? नाम है ये जिनसे आप जानते हैं चिन्मयानंद को, वो तो संत है, वो तो कई पार्टियों में रहे, वो तो कई पार्टियों में रहे, अभी कहाँ है वो तो? कई अच्छा विकास दुबे का आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छा विकास दुबे का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर ये खुशी दुबे अभी जेल में है या फिर बाहर है? जेल में अभी। देखिए ये प्रक्रिया है, मैं इस पे चर्चा, मैं न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप यहाँ पे उस पे चर्चा करके नहीं करना। खुशी दुबे ने क्या बात किए हैं? 2 साल से ऊपर हो गए, उसको क्यों जेल में डाले हुए हैं आप? उत्तर प्रदेश में दागी उम्मीदवारों की एक सूची है 2017 के हिसाब से, 2017 के चुनाव जब हुए थे बीएसपी ने 400 उम्मीदवार उतारे, 150 दागी थे, बीजेपी ने 343 उतारे, 383, उसमें से 137 दागी, समाजवादी पार्टी ने 307 उतारे, 113 दागी थे, राष्ट्रीय लोकदल ने 276 उम्मीदवार उतारे, 56 दागी थे, कांग्रेस ने 114 उम्मीदवार उतारे, 36 दागी थे, आपके 383 में से 137 दागी थे 2017 की रिपोर्ट पर, मैं गलत पढ़ रहा हूं? और नहीं, नहीं, देखिए चावला जी, आप कहेंगे गंभीर गंभीर मसला, 84 पर रेप और हत्या के मुकदमे, बोलिए सर। देखिए चावला जी, जब आप लिस्ट उठाएंगे और लिस्ट अगर जब आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग प्रत्याशी रहे वो नगण्य आपको दिखाई देंगे आपराधिक मुकदमों के आधार पर, राजनीतिक मुकदमे उनके ऊपर जरूर रहे, लेकिन तमाम सारे लोगों पे, तमाम सारे मामले 137 पर पहले में 137 पर गंभीर, 84 पर रेप और हत्या जैसे मुकदमे। चावला जी देखिए, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के, एक मंच पे आकर के कहीं ना कहीं निर्णय लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं निर्णय लेना।